अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्वागत है आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज है 10 नवंबर और खानकाह रहमानी की मस्जिद में अभी थोड़ी देर पहले दुआ का नज़्म ख़त्म हुआ, यानी दुआ हो गई और उसके बाद सारे मेहमान अपने अपने घर जा रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत सारे जो है लोग जो है जो जलसा में आए और किसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनका जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर। मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल की तरफ से भी कुछ डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं और इनके द्वारा जो है लोगों का जो है खिदमत भी किया जा रहा है माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर जो है एक स्टॉल लगा हुआ है, मेडिकल स्टॉल है मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल की तरफ से और बहुत ही बेहतर इंतज़ाम। आप लोग कहाँ से हैं? हॉस्पिटल की तरफ से हैं? मुंगेर इमरजेंसी से। सब लोग वहीं से हैं? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर सहाब हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फैज आफ्ताब। क्या नाम है? मोहम्मद फैज आफ्ताब। मोहम्मद फैज आफ्ताब माशाल्लाह। तो आप जो यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं कितने देर से दे रहे हैं? कल से तो दे रहे हैं लेकिन आज सुबह से आए हैं, अर्ली मॉर्निंग 9 AM। अच्छा, तो यहाँ जो पहुँच रहे हैं मेहमान लोग जी, तो उनको कुछ शिफा वगैरह फ़ायदा वगैरह? शिफा मिल रहा है तभी तो हमारे पास आ रहे हैं और उनके लिए तो स्पेशल हम लोगों ने किया है। जब हमारे इदारा इतने अच्छे काम कर रही है तो हम लोग कभी तो फ़र्ज पड़ता है ना। अच्छा, फर्स्ट। तो यहाँ पर जो मेहमान लोग आ रहे हैं तो बहुत सारी परेशानी उनके साथ हो रही होगी और उसको जो आप लोग दवा दे करके उसको जो है मुफ्त का ही इलाज कर रहे हैं? जी जी, मुफ्त फ्री। अभी तो जो मेडिसिन हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो सब फ्री है, सब कुछ फ्री है। माशाल्लाह। जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी वो फ्री ही होगी। जितना हो सकता है आप अपने हिसाब से। जी जी, कल एक के जिनका पल्स रेट डाउन हो गया था, हार्ट ड्रॉप हो रहा था, मतलब समझिए कि हार्ट स्टॉप ही हो गया था लगभग, तो उनको थोड़ा CPR देने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा इमरजेंसी में। कल का इंसिडेंस तो आपको पता ही होगा। अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत को कबूल करें। और ये इस्लामिक एहसास मीडिया की तरफ से हम लोग पहुँचे हैं और आपको जो है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर का यहाँ पर इंतज़ाम भी है कुछ, तो उनके लिए बेहतर हो अगर उनको किसी तरह का परेशानी हो तो। अभी अब कब तक रहिएगा अभी? ये हम लोग अभी हैं 1 बजे तक तो हैं अभी फिलहाल। जी सुबह से आप लोग आए? जी जी, सुबह से आए हुए। हमारे हॉस्पिटल मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल सफियाबाद में है, डॉक्टर हर्षवर्धन सर के। हर्षवर्धन साहब आए हुए थे क्या? नहीं वो आए नहीं है, वो यहाँ आउट ऑफ स्टेशन है। वो रहते तो डेफिनेटली वो भी आते, वो है नहीं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है एक स्टॉल लगा हुआ था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा था। थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम लोग और ये इस्लामिक एहसास मीडिया की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, चारों तरफ से दिखाया जाए इन लोगों को और लगातार ये व्यू हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि जामे रहमानी के अंदर ये लोगों की जो तादाद पहुंचती है, मोहब्बत से लोग पहुंचते हैं और बहुत ही बेहतरीन नज़्म किया जाता है। खाने का इंतज़ाम बेहतरीन होता है, यहाँ रहने का इंतज़ाम बहुत अच्छा रहता है और डॉक्टर का भी इंतज़ाम यहाँ पर है। मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सब लोग लगे हुए हैं और खानकाह रहमानी की तरफ से जितना हो रहा है वो उतना कर रहे हैं और उसके बाद जितना हो सक रहा है हर लोगों से जहाँ तक संभव हो रहा है वहाँ तक वो काम कर रहे हैं। अभी हम आपको चलते हैं लेकर के उस जगह पर जहाँ की यहाँ फातिहा खाने के बाद जो लोगों को खिचड़ा खिलाया जाता है और उसका नज़्म भी आपको हम दिखाएंगे बहुत जल्द। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस्लामिक एहसास मीडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक वीडियो को देखा।